सो गाइस, टाटा की जो कर्व है जिसको कि कूपे एसयूवी बोला जा रहा है, कूपे एसयूवी का मतलब हो गया कि बॉडी टाइप जो इसका है वो एसयूवी जैसा होने वाला है, एंड ओवरऑल जो लुक होने वाला वो आप लोग को कूपे स्टाइलिंग की तरह मिलेगा। तो इसका आज हम लोग थोड़ा बहुत डिटेल देखते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। लेट्स गो। फ्रंट में आप लोग देख सकते हो कि आपको इसमें जो है कनेक्टिंग DRL का फीचर मिल जाता है, जो कि अभी हैरियर्स वगैरह एंड सफारी में जो है इंक्लूड किया गया है। अब फ्रंट में आप लोग को जो है पार्किंग सेंसर दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे आप लोग को जो हेडलाइट दिख रहा है, हेडलाइट में आप लोग को प्रोजेक्टर है, एंड ऊपर में हाई बीम में नीचे इसमें लो बीम दे रखा है, इसमें फॉग लैंप वगैरह नहीं दिया गया। साइड में जो है एरोडायनेमिक्स वगैरह के लिए जो इसमें वेंट्स दे रखे हैं काफ़ी अच्छे तरीके के, एंड जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग DRL कितना ही ज़्यादा सही लग रहा है, एंड यहाँ पे इसमें डिजाइनिंग सही तरीके से यूज़ किए गए हैं। इसमें पियानो जो ब्लैक कलर का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, जैसे कि आप लोग साइड का क्लैडिंग वगैरह भी देख सकते हैं, एलॉय वगैरह भी देख सकते हैं, उस पर भी जो है ग्लॉसी ब्लैक वगैरह का जो है पियानो ब्लैक टाइप का जो ब्लैक होता है उसका ज़्यादा यूज़ किया गया। साइड की जो क्लैडिंग वगैरह है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया। क्लैडिंग वगैरह का ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा जो कि हमें लॉन्च के बाद जो है शोरूम्स पर मिलेगी उसमें जो है वो पियानो ब्लैक होगा या नहीं होगा, इसका कोई चीज़ भी कन्फर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 360 कैमरा मिल जाता है दोनों मिरर पे, एक फ्रंट में और एक रियर में मिल जाता है। इसका आप लोग जो है डोर का देख सकते हैं हैंडल कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, जो कि लैम्बोर्गिनी वगैरह में आता है, एंड अभी रिसेंटली जो महिंद्रा की 700R उसके अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अंदर आप लोग इंटीरियर देख सकते हो कि इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा जो है नेक्स्ट लेवल होने वाला है, एंड यहाँ पे जो ओवरऑल जो कार का लुक है वो आप लोग को देखो एक कूपे की तरह लगेगा, एंड जो बॉडी का जो लुक वगैरह है बॉडी टाइप है वो आप लोग को SUV की तरह मिलने वाला है। इसमें आप लोग को जो है ऑल फोर डिस्प्लेस मिलने वाले हैं, एंड पीछे का लुक एक बार गाइस आप लोग चेकआउट करो, क्या ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। कर्व की बैजिंग दे रखी है, टाटा की बैजिंग दे रखी है, पीछे में आप लोग को कैमरा मिल जाता है, दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, ABS गार्ड है, यहाँ पे एग्जॉस्ट का पाइप दिख रहा होगा आप लोग को, एंड यहाँ पे आप लोग को रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे, पार्किंग लाइट है, एंड पीछे का जो बैकलाइट है वो भी आप लोग को जो है कनेक्टिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कर्व की बैजिंग दे रखी है, एंड काफ़ी खतरनाक लुक जो है कार का दे रखा है। पीछे में आप लोग को जो है आप लोग को शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, वो भी पियानो ब्लैक में कर रखे हैं। ऊपर का जो रूफ है उसको भी ब्लैक कर रखा है। अब फाइनल प्रोडक्ट में पता नहीं ब्लैक इतना मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल लाइट देखने को मिल जाता है, एंड ओवरऑल जो बूट का स्पेस बताया गया है यहाँ पे मेंशन किया गया वो किया गया है 422 लीटर्स का जो है बूट स्पेस यहाँ पे जो है मेंशन किया गया। इंजन जो होने वाला वो होने वाला आपको 1500cc का इंजन, 4-सिलेंडर इंजन, एंड ये जो गाड़ी है इसका प्राइस स्टार्टिंग रखा जाएगा 10,55,000 एक्स शोरूम प्राइस। ये पेट्रोल इंजन है, एंड इसमें जो है डीजल इंजन भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, एंड ये जो गाड़ी है हैरियर और नेक्सॉन जो है उस दोनों के बीच में देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो गाड़ी है बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है गाड़ी देखने में, एक्चुअल में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है बल्की एंड बहुत ही मस्कुलर लुक के साथ में आती है, एंड बहुत ही ज़्यादा गाड़ी सेक्सी लग रही है। एंड फीचर्स जो इंक्लूड होंगे आगे वो आप लोग को लॉन्च के बाद दिखेगा, फिर इसका हम लोग फुल डिटेल रिव्यू भी करें। सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी एंड राइड सेफ गाइज़।